बेहतर भविष्य का झूठा सपना न बन जाए इंश्योरेंस पॉलिसी लेना, जाने सही निवेश का कारगर तरीका। राइट इन्वेस्टमेंट टिप्स। कई लोगों को निवेश की जल्दी होती है तो कुछ सिर्फ बेहतर भविष्य के लिए निवेश करने की फिराक में होते हैं। इसी के चक्कर में एजेंट गलत सलाह के साथ पैसा और समय दोनों बर्बाद कर देते हैं। आइए सही निवेश का कारगर तरीका जानते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, इसे ज्यादातर लोग नहीं समझते, शायद आप भी ठीक से नहीं समझते होंगे। अगर समझते हैं तो भाई मेरा गुस्ताखी माफ करें। आइए अब मुद्दे पर आते हैं। जाने अनजाने में कई लोग आपके संपर्क में आए होंगे जिन्होंने फलां फलां पॉलिसी के बारे में बताकर आपके पैसे लगवा दिए होंगे, यानी ऐसे लोग जो अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में आपको कोई भी ऐसी पॉलिसी बेच देते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में घाटा ही होता है। हमारे और आपके इर्द गिर्द ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को मिक्स करके आपको ऐसे बताएंगे कि आप उस स्कीम पर मोहित हो जाए और यहीं से आपको चूना लगाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। मैं किसी खास कंपनी या बीमा कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ये बीमा कंपनी देश की सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है, आप समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं। आज मैं उस कंपनी के मकर जाल से आपको निकालने की कोशिश करूंगा। डबल तड़के से बचें, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट अलग अलग रखें। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर में ये बात क्यों कह रहा हूं। चलिए आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। राम और श्याम ने अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरुआत की। राम को दिल्ली में नई नई नौकरी लगी, इस बात की खबर उसके बड़े भाई के दोस्त को भी हुई जो इस बीमा कंपनी से जुड़े हुए थे। वो राम के पास पहुंच गए और अपना परम हितेशी बताते हुए राम को 2 लाख की बीमा पॉलिसी बेच दी जिसका प्रीमियम करीब 12,000 रुपए सालाना था। और तब से लेकर अब तक राम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। राम को बताया गया था कि 20 साल के बाद मैच्योरिटी पर करीब 5 लाख रुपए मिलेंगे और ये भी बताया गया था कि बीच में कोई अनहोनी होने पर आपको 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। राम खुश था कि पॉलिसी के शुरू हो जाने से उसका पूरी तरह रिस्क कवर हो गया, लेकिन उसे उस वक्त ये बताया नहीं गया कि महज 5 लाख रुपए का रिस्क कवर उसके और उसके फैमिली के लिए कितना कम है। अगर बताया भी गया होता तो उसका प्रीमियम इतना अधिक था कि राम उस वक्त पॉलिसी को नहीं ले पाता क्योंकि उसकी सैलरी उस वक्त कम थी। उसे ये भी बताया गया कि 20 साल बाद आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर इस बीच आपको कुछ हो गया तो 5 लाख रुपए आपके घर वालों को मिल जाएंगे। यानी इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस का डबल तड़का लगाकर राम के सामने पेश किया गया। इसके अलावा भी आज के वक्त में उसने कई सारी पॉलिसीज खरीद रखी हैं जिससे आज की तारीख में पैसे निकालने पर उसे भारी भरकम नुकसान होगा क्योंकि जब तक पॉलिसी की मैच्योरिटी नहीं हो जाती बोनस का एक भी पैसा राम को नहीं मिलेगा। यानी पूरे 20 साल तक राम को पॉलिसी में फंसे रहना होगा। दोनों के रिटर्न में जमीन आसमान का फर्क देखिए तो वहीं दूसरी तरफ श्याम ने इंश्योरेंस के लिए हेल्थ पॉलिसी और जीवन बीमा के लिए टर्म प्लान ले लिया। चूंकि राम और श्याम दोनों ने 2008 में काम स्टार्ट किया, श्याम की उस वक्त 24 साल की थी, इसलिए टर्म प्लान का प्रीमियम भी काफी कम का पड़ा। उसने समझदारी दिखाते हुए 50 लाख का टर्म लिया और उसके नहीं रहने पर उसकी फैमिली को जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त रकम है। साथ ही उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ले ली। बस इन्हीं 2 पॉलिसी को लेने के बाद उसने कोई दूसरा इंश्योरेंस नहीं लिया, जो बिल्कुल सही तरीका है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए श्याम ने FD की जगह पर म्यूचुअल फंड को चुना और हर महीने 4,000 रुपए डालता रहा और सालाना म्यूचुअल फंड में 10% की बढ़ोतरी करता रहा जिससे आज की तारीख में उसके पास करीब 33 लाख रुपए हो चुके हैं। यही है कंपाउंडिंग इफेक्ट। कंपाउंडिंग इफेक्ट का मजा देखिए। 10 साल बाद श्याम को ये बात समझ में आई कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसके बाद उसने अपनी गलती सुधारी और पिछले 5 साल में वो म्यूचुअल फंड में हर महीने 25,000 रुपए की भारी भरकम रकम इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके बाद उसके अकाउंट में आज की तारीख में महज 20 लाख रुपए ही होंगे। दोनों ने करीब 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। फर्क सिर्फ इतना रहा कि राम ने इन्वेस्टमेंट श्याम से 10 साल पहले शुरू की। बिना अपने ऊपर ज्यादा बर्डन लिए राम और श्याम दोनों ने करीब 15-15 लाख रुपए लगाए, लेकिन रिटर्न में 13 लाख का फर्क आ गया। अगर इसी तरह इन्वेस्टमेंट को दोनों ने 5 साल के लिए और जारी रखा तो राम के पास करीब 75 लाख रुपए होंगे, जबकि उसका कुल इन्वेस्टमेंट करीब 28 लाख का होगा और श्याम 30 लाख लगाकर भी महज 58 लाख रुपए ही पाएगा। यानी फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने कितना ज्यादा पैसा लगाया है, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने कब पैसा लगाया है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट उतना ही शानदार तरीके से काम करेगा।
ये सारा कैलकुलेशन आप भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। गूगल में जाकर SIP कैलकुलेटर टाइप करके आप इसे देख सकते हैं। म्यूचुअल या इंडेक्स फंड में सालाना 12% की ग्रोथ नॉर्मल है, जो FD के रेट से काफी अच्छा माना जाता है। इस तरह आप उदाहरण से समझ ही गए होंगे कि बीमा कंपनी से कौन सी पॉलिसी आपको लेनी है, कौन सी नहीं। बहुत लोगों का दिमाग शाम की तरह काफी देर से खुलता है, जिससे वो काफी अधिक पैसे गंवा देते हैं, या यूं कहें कि आपके पैसे से बीमा कंपनियां मुनाफा कमाती हैं और आपको बेहद कम रिटर्न मिलता है।